हवा अच्छी है यार। खेतों में लोग काम करते हुए नहर के साथ साथ अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे आपको आमों के बाग दिखाते हैं। हम अभी मिस्किन शाह सरकार के रास्ते पे हैं। ये देखें सारे आम का दरख्त है ये, और यहाँ आम के ही है और अंदर मुख्तलिफ फलों के भी हैं, मिक्स है तकरीबन। बट ज़ाहिर मुझे इतनी पहचान नहीं है, ये शायद चीकू या कुछ और का भी है ये दरख्त, ये लगा हुआ है। और हमने कहा अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा कर लें और आपको दिखाते हैं। साथ ये कौन से फल हैं? ये चीकू, चीकू है। आपको पहली बार दिखाते हैं चीकू। आपने अगर गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा चीकू कैसे है, दरख्तों पर होता है, या आज जर्नी ऑफ फेथ पे भी देख लें आप। चीकू लगे हुए माशाल्लाह से, और देखें लोग यहाँ पर हैं और तोड़ते भी नहीं है, ये अच्छी बात है। जिसका ये बाग है उसे हमने अभी परमिशन तो नहीं ली, मगर आपको ये दिखाएं कि एक दरख्तों ने जो साया बनाया हुआ है वो ऐसा ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आएगा। यहाँ थोड़ी देर के लिए या दोपहर के वक्त, जो अभी गर्मी का वक्त है, इसमें आप यहाँ पर अपनी गर्मी गुजार सकते हैं और यहाँ पर सुकून से बैठकर ठंडी हवाएं या सायेदार हवाएं, और बड़े मज़े का सीन है। मेरा तो है कि मैं अपनी गाड़ी से चटाई निकालूं और यहाँ बिछा के थोड़ी देर सस्ताऊं। बट अभी हम मिस्किन शाह पे भी जा रहे हैं, आगे भी हमने ज्यारतें करनी है। मुख्तलिफ चीज़ों के बागात हैं फलों के, मगर ज़्यादातर अभी मुझे चीकू नज़र आए। शुरू में आम का नज़र आया तो मुझे ऐसे लगा कि ये आम का होगा, मगर अक्सर दरख्तों पे मुझे यह चीकू नज़र आ रहे हैं। तो कमेंट करिएगा कि ज़रूर आपको ये बाग कैसा लगा, और जब भी आप शाकी सरकार के पास आएँ और वहाँ से आप मिस्किन शाह सरकार की तरफ जाएँ, या बेसिकली मस्किन शाह का पहले मज़ार आता है और तकरीबन 6 किलोमीटर पहले, और शाह यकीक और जलाली बाबा का 6 किलोमीटर बाद है, मगर अक्सर लोग जो है वो पहले शाह यकीक और फिर जलाली बाबा और उसके बाद फिर मस्किन शाह बाबा और फिर इस्माइल शाह बाबा पे जाते हैं। तो हम भी उसी तरतीब को फॉलो कर रहे हैं, और ये रास्ते में एक बाग पड़ा है और इस बाग में हमने आपको चीकू दिखाए। थोड़ी सी देर के लिए रुके ताकि हमारी गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाए, धूप बहुत है। तो मिलते हैं आपको उससे आगे। अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद।
जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन, हमने एक नई बुनियाद रखी है जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन, उसके अंदर हम जर्नी ऑफ फेथ चैनल लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और काफ़ी अरसे से हमने जो है वो फेसबुक पे तो जर्नी ऑफ फेथ पेज बनाया, साथ में हमने इंस्टाग्राम पे भी बनाया, और अब वेबसाइट भी आपके लिए ला रहे हैं। फाउंडेशन इसलिए हमने किया कि अब हम बहुत सारे और भी काम करने हैं, हम आपके लिए और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, और भी कुछ ऐसे जो है वो टॉक शोज ला रहे हैं जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपके मसाइल हल होंगे। इसी तरह हम और भी बहुत सारे मेटल्स पे काम कर रहे हैं, हम स्टोन्स पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमने तफरीक एलिमेंट भी डालने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए, और फ्लाई काम भी हम कर रहे हैं, जैसे कि हम मस्जिद का काम करवाते हैं या किसी मदार का काम करवा रहे हैं या कहीं का खाना खिला रहे हैं, लोगों में कपड़े बांट रहे हैं, जिस तरह हमें लोग जो है वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और जिस तरह लोग की डिमांड होती है कि हमें जो है वो कोई प्रॉपर बंदा चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए जो ईमानदारी से करे, तो इस वजह से हमने जो है वो जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन जो है वो वजूद में लेकर आए। और ये जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन जो है ये बहुत सारे काम कर रही है ऑलरेडी कई सालों से, बस इसको एक नाम दे दिया गया है, और इसको जो है वो नाम देने का मकसद ही यही था कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों में हम हेल्प कर सकें बगैर किसी मतलब के। यहाँ पर अब आप जो व्यू देखा आपने और जो ज़ियारत मेरे सामने देखी राइट साइड पर, ये मिस्कीन शाह बाबा है, शाकिक बाबा, जलाली बाबा, मिस्कीन शाह बाबा, और इसके बाद एक और ज़ियारत पे हम जाएंगे इस्माइल शाह बाबा। मिस्कीन शाह भी जो आप कह लें कि वही बुखारी सादात भी हैं जो आपको अक्सर विकिपीडिया पे जो मिलेगा, वैसे आप यहाँ के जो लोगों की ज़बानी डेटा देखेंगे वो आपको मिलेगा कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी के पोतों में से हैं, और क्योंकि ये भी आप समझ लें कि ओज शरीफ से इनका ताल्लुक है। अब ये हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये जलाली बाबा और शाकिक बाबा से बड़े हैं या छोटे हैं। अगर हम शाकिक को देखें तो वो 7 साल की उम्र थी, इसका मतलब है एक से दो भाई और हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं या वो आखिरी हों, बट तारीख के कुछ पन्ने जो है ऐसे हैं जो जिसमें आप ये अभी तक नहीं कन्फर्म कर सकें। मिस्कीन शाह बाबा बहुत अहमियत के हामिल हैं, इनके यहाँ भी एक मैदान है जहाँ पर जिन लोगों को बदरुएँ होती हैं, जिन लोगों की जो आप कह लेंगे बदरुओं ने घर कर लिया होता है, और बीमारियों की शक्ल में भी और इंसानी मुख्तलिफ जहनी कैफियात की वजह से, उसके लिए यहाँ एक ग्राउंड है, उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि उस ग्राउंड में एक बंदे को लिटा देते हैं और उसको हल्का सा सीधा लिटा कर हल्का सा पुश करते हैं, तो वो पुश करने पर वो अगर घूमने लग जाए, खुद ब खुद कलाबाजियाँ खाने लग जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई बैड स्प्रिट है। अगर वो आप यूं करें और एक कलाबाजी भी नहीं खाए और आधी में या एक पूरी खाकर रुक जाए, आप जोर से जब डाल जो उसको जग करोगे धक्का दोगे तो एक में ही रुक जाए, इसका मतलब वो क्लियर है। तो ये मैदान में यहाँ लोग जब आते हैं इस हालात होते हैं, तो जब एक बार इस तरह उसको धक्का दिया जाता है वो करता रहती है, करवट बदलते रहते हैं या रहती है, तो वो जब तक एक घंटा हो, दो घंटा हो, एक दिन हो, दो दिन हो, यहाँ पर वो चलता रहता है, और लोग उसकी आगे पीछे जो घर वाले होते हैं उसकी सेफ्टी करते हैं ताकि वो कहीं और उस ग्राउंड में ही घूमना होता है मगर वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। तो ये जब तक अमल रहता है, जब तक जो है यहाँ पर वो बैड स्पिरिट निकल नहीं जाती है। तो ये तीनों भाइयों के पास अभी तक हमने अलग अलग जो है वो क्वालिटीज़ देखी है। शायद यकी सरकार जो है वो बीमारियों से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा देखते हैं, कैंसर है, आँखें नहीं है किसी की, अपाज है, अपेंडिक्स है, इसी तरह कैंसर है, या आपके पास हार्ट के इश्यूज हैं या अस्थमा के हैं या दूसरे बोल जितने भी लफ्जी हैं बीमारी हैं। इसके अलावा जो जलाली बाबा है वो जिन्नात से रिलेटेड है, ये बैड स्पिरिट से है। तीनों की कैटेगरी अलग है मगर देखा जाए तो ये एक ही तरह की बीमारियों पे काम करें मगर कैटेगराइज कर दिया गया है। आए आगे बढ़ते हैं, मिस्कीन शाह बाबा की हाजिरी भी देते हैं और आपको उससे पहले हम ग्राउंड भी दिखाते हैं। देखिए ये खेतों को पानी देने के लिए, इसको छोटी नालियों में कहते हैं, पंजाबी में इसको खाला कहते हैं, और ये इर्गिर्द की दुकानें हैं। हम दरबार पे जाने से पहले आपको इस ग्राउंड की तरफ लेके जाते हैं, कोशिश है साए में से जाएं ताकि आपको जो है वो व्यू अच्छा नज़र आए। ये यहाँ का मुकामी होटल है, यहाँ की चाय बहुत मस्त होती है और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक और लोगों को चाय पिलाते हैं।
ये मैदान है। अब हम काफ़ी अरसे बाद आए तो इस मैदान में ये बकायदा दीवार बना दी है। पहले मिट्टी की जो है वो हल्की सी लेयर होती थी जिससे पता लगता था कि है। ये एक सीन इस वक्त ऑन है यहाँ पर, ये पूरा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, कितने अरसे से हम मेहनत मजदूरी कर रहे हो, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो? इनमें करे 150 करे 300 करे 400 बचेगा, ये हिसाब है बस। अच्छा, तो सुबह से शाम तक धूप में बैठते हो? बस ये रोजगार बचा करना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में लोग जो है वो आते हैं और यहाँ पे भी मसाइल हल होते हैं। देखने को एक सिंपल सा मैदान है और देखा जाए तो आपको लगेगा फुटबॉल ग्राउंड है या छोटे बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड है, बट इस ग्राउंड की क्वालिटीज़ वही जानते हैं जो यहाँ से शिफायाब हुए हैं और जो यहाँ से जो है अपनी सेहत या अपने अंदर से वो बदरू हैं या बैड स्पिरिट जो है वो निकाल कर गए, वो अहमियत जानते हैं कि इसमें कितनी पावर है इसमें मिट्टी में और इस ग्राउंड में और इस चार दीवारी में। तो ये है, खेतों के बीच में है और नहर के बिल्कुल साथ में है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मेन ज़ियारत की तरफ लेके जाते हैं। मिस्कीन शाह बाबा शाह बुखारी, वही सिलसिला, वही वालिद और वही पैदाइश की जगह जो अभी तक हमें कंफर्म है। आए, हाजिरी की तरफ बढ़ते और मुस्तफीद होते हैं अली बाबा से। साईं के बारे में बोलोगे? अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त है वो तो है, जो आप जानते हैं वो बताएं। सरकार के बारे में, शाह यकी के भाई हैं, जलाली बाबा के भाई हैं, ऐसे बोलते हैं भाई हैं शाह यकी का, जलाली का। ठीक है, किताब में भी ऐसे लिखे हैं जो किताब आजकल बिक्री हो रहे हैं। अच्छा, उसमें भी लिखा है? हाँ, उसी में भी लिखा है कि ये भाई अल्लाह के दोस्त हैं। इनका यहाँ ये मशहूर है, शफा का मैदान है। सही, यहाँ लोग आते हैं, दुआ मांग के फातिहा पढ़ के फिर वहाँ से अढ़ाई पते खाते हैं शफा का, खा के फिर मैदान में जाते हैं, गोट लगाते हैं ज़मीन पे से लेट के, या ऐसे पैदल चक्कर लगाते हैं। सही, अल्लाह के इन वली के हुक्म से शफा होता है। वहाँ ये किस्म का इलाज है वली हुआ, किसी बंदे के ऊपर जादू है या जिनाद है, तावीज़ वगैरह किया जाता है, तो अल्लाह के वली के हुक्म से, या अल्लाह न करे कोई बीमारी है तो अल्लाह के हुक्म से शफा होता है लोगों को। सही, कोई आपको ऐसा वाकया जो आज भी याद है जो आपको भूला नहीं, कोई ऐसा बंदा या लोग आए? वो लोगों का इलाज होता है, लोग फैजियाब हो जाते हैं, शफा पा जाते हैं, दिमाग में रह जाती है ना बात कि ऐसा भी बंदा है जो, फिर लोग आते हैं बताते हैं कि भाई, फिर दूसरे लोगों को लाते हैं भाई, हम अगले साल आए हम लोगों को शफा हुआ, ये बीमारी था या ये कोई मामला था हम लोगों का, तो हम लोग सेहतियाब हो गए, अभी दूसरे मेले वाले लोग लेके आए, ऐसे भी काफ़ी ज़ायरीन आ जाते हैं। समझा बाबा? बराबर। इस वक्त मैं मस्कीन शाह बाबा के मज़ार पर हूँ और यहाँ भी लोगों का जो है सारा दिन तांता बंधा रहता है और लोग दूर दराज से आते हैं। ये एक समझ लें
कि एक ज़ियारतों का सिलसिला है और इन भाइयों के हाँ जो है वो हाज़िरी का एक सिलसिला है। जो शाही के आता है वो अपने भाई जलाली बाबा के भेज देते हैं, वो जो है उठा कर या वो जो है आपके दिलों में डालते हैं कि हम इस तरफ आए मस्किन शाह की तरफ आए, और ये जो है वो इस्माइल शाह की तरफ भेज देते हैं। इसी तरह यहाँ जो जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं, चाहे वो सौ सीढ़ी वाले हैं, चाहे वो साहबिय रसूल हैं, चाहे वो दूसरे औलिया अल्लाह हैं, यहाँ पर उनका एक सिलसिला बंधा हुआ है और वो एक दूसरे के पास लोगों को भेजते हैं। और जैसे जैसे लोग इन ज़ियारतों पर जाते हैं और जैसे जैसे वो इन मराहिल से गुजरते हैं, जैसे यहाँ पे शिफा का मैदान है और जलाली बाबा के जिन्नात का सिस्टम है, इसी तरह शाकी का है, ये सब जो एक कंप्लीट आप कह लें कि हिंदी वर्ड है यात्रा, या ये पूरी ज़ियारतों का सिलसिला कंप्लीट करते हैं, तो वो इस तरह के ताज़ा दम हो जाते हैं जैसे कि वो उनकी बॉडी हल्की है, उन पर कोई असरात नहीं है, ना जिन्नात के, ना बदरुओं का, ना बीमारियों का सिलसिला। तो इसी तरह जो लोग हैं वो खींचे चले आते हैं, जब दुनिया में वो बेजार होने लगते हैं या मुसीबतों उनमें आने लगती हैं या लोगों की नज़रें या खुद साख्ता बहुत सारे ऐसे अमाल या ऐसे वज़ाइफ कर लेते हैं कि वो चीज़ें भारी होना शुरू हो जाती हैं, तो ये इस तरफ रुख करते हैं, ये बग़ैर कीमत के, बग़ैर मुआवजे के वो खिदमत देते हैं जो अहले बैत का शेवा है। ये वो मज़ारात हैं जहाँ पर लोग आकर अपनी दिली सुकून तो हासिल करते हैं, मगर सबसे अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ आपको रूह का सुकून मिलता है बॉडी के साथ साथ। यहाँ रूह को भी धुलाई की जाती है, बॉडी की भी धुलाई की जाती है, और उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ या बैड स्पिरिट्स या जिन्नात का सीन या तावीज़ या जो भी बद नज़र या जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे धोई दी जाती है। जितने लोग यहाँ दिन रहते हैं और जितनी ज़ियारतों पे जाते हैं, यहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी औलिया अल्लाह हैं, वली हैं, कलंदर हैं, अहले बैत हैं, ये सब मिलकर जो है उस चीज़ को जो है वो धो देते हैं और इंसान को दोबारा इस तरह ताज़ा दम कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जाके दोबारा अपने कामों में या मशागिल में जो है वो मसरूफ़ हो जाए। आप ज़ियारत की, आपने फातिहा पढ़ी और बहुत सारे यहाँ के सिस्टम है, आप शफा की, आपने वो देखा, मैदान देखा, तो ये बाबा यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है वो लोगों की जो बैड स्पिरिट्स निकालते हैं वो रोलिंग करके जो है वो निकालते हैं। यहाँ तक मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें ताकि शायद वो मुसीबत में है या आपकी इस वीडियो शेयरिंग की वजह से शायद उनकी मुसीबत हल हो सकती है, जो इतने सालों से फंसे होंगे, अल्लाह ना करे फंसे हों, जो उनको रास्ता ना मिल रहा हो, यहाँ पर आएँ और बग़ैर किसी को फीस दिए, बग़ैर ऑपरेशन की या डॉक्टरी फीस दिए बगैर यहाँ पे मुफ्त में अपना इलाज करके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम या अली बदर।